हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका जो चैप्टर फॉरगेटिंग चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। तो अब आप देखिए, फ्यू ऑफ अस हाउएवर हैव लॉस्ट मच प्रॉपर्टी ऑन अवर ट्रेवल्स थ्रू फॉरगेटफुलनेस। फ्यू कुछ ऑफ काके के अस हमें अवेयर हालांकि हैव सहक्रिया लॉस्ट खो दिया मच अधिक प्रॉपर्टी संपत्ति ऑन पर अवर हमारे ट्रेवल्स यानी कि यात्रा थ्रू से फॉरगेटफुलनेस यानी भुलक्कड़पन। कह रहे हैं कि हम में से कुछ लोगों ने हालांकि अपने भुलक्कड़पन के द्वारा के कारण अपनी यात्रा में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर जो है कुछ ना कुछ संपत्ति जरूर खोई होगी। द ऑर्डनरी मैन अराइव्स एट हिज डेस्टिनेशन विद ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक सेफ। ऑर्डनरी साधारण मैन व्यक्ति अराइव पहुँचता है एट हिज उसके डेस्टिनेशन यानी कि लक्ष्य मंजिल विद साथ में ऑल सभी हिज उसके बैग्स थैले एंड और ट्रंक्स यानी बिस्तर बंद वगैरह जो होता है सेफ सुरक्षित। कह रहे जो साधारण व्यक्ति है वो अपने बिस्तर बंद और बैग्स वगैरह के साथ जो है अपने लक्ष्य पर जो है सुरक्षित रूप से पहुंच जाता है सेफ यानी सुरक्षित रूप से पहुंच जाता है। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट इन ट्रेन्स ड्यूरिंग द ईयर सजेस्ट दैट इट इज़ द यंग रेदर देन द अडल्ट हु फॉरगेट थिंग्स। कह रहे हैं लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स यानी कि वस्तुओं की सूची लॉस्ट यानी खोए यानी खोई हुई वस्तुओं की सूची इनमें ट्रेन यानी ट्रेन ड्यूरिंग दौरान ईयरवर्ड सजेस्ट हो जाती है दैट इट या इज ए यंग नवयुवक रेदर अपेक्षा देन अपेक्षा रेदर देन अपेक्षा अडल्ट वयस्क हु जो फॉरगेट भूल जाते हैं थिंग्स वाने वस्तुएं। तो कह रहे हैं ट्रेन में खोई हुई वस्तुओं की सूची जो है हालांकि ये हमें सुझाती है ये हमें बताती है कि जो है नवयुवक लोग जो है वयस्क लोगों की अपेक्षा चीज़ें बोल जाते हैं। मतलब ये नवयुवक ही हैं जो वयस्क लोगों की अपेक्षा चीज़ें बोल जाते हैं। वन एंड दैट स्पोर्ट्समैन हैव वर्स मेमोरीज देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलोज एंड और दैट कि स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी ऐसा किया वर्स बुरी मेमोरीज यादें देन अपेक्षा देयर उनके ऑर्डिनरी साधारण सीरियस माइंडेड फेलोज यानी कि जो गंभीर दिमाग वाले व्यक्ति हैं। और कह रहे हैं कि वो जो लिस्ट है वो हम लोगों को ये भी बताती है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी याददाश्त जो है बहुत ही कमज़ोर होती है और अपने गंभीर याददाश्त वाले साधारण गंभीर याददाश्त वाले जो उनके साथी हैं मित्र हैं उनकी अपेक्षा खिलाड़ियों की जो याददाश्त है वो बहुत ही ख़राब होती है। अ कंसिडरेबल विचारणीय विचार नहीं है। आगे देखिए नंबर ऑफ फुटबॉल्स एंड क्रिकेट बैट्स फॉर इंस्टांस फॉर व फॉरगेटन अ कंसिडरेबल यानी कि विचारणीय या पर्याप्त संख्या में नंबर ऑफ फुटबॉल्स एंड और क्रिकेट बैट्स फॉर के लिए इंस्टांस उदाहरण वर्थ फॉरगेटन भुला दिए गए। तो खिलाड़ियों की याददाश्त बुरी होती है इस बारे में जो लेखक है वो आप लोगों को ये बताना चाह रहा है कि भुला दी गई चीज़ों में उदाहरण के रूप में अगर मैं बताऊं तो फुटबॉल और क्रिकेट बैट जो है मतलब भर की संख्या में भुला दिए गए हैं खो दिए जा चुके हैं। दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर बॉयज रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स हैव देयर इमेजिनेशन स्टिल फिल्ड विद अ विजन ऑफ द प्लेइंग फील्ड एंड देयर हेड्स आर अमंग द स्टार्स और देयर हार्ट्स इन द बूट्स। कह रहे हैं कि दिस या इज़ ए ईजी आसान अंडरस्टैंड समझना ये बात समझना बहुत आसान है फॉर क्योंकि बॉयज़ लड़के रिटर्निंग लौट रहे फ्रॉम से गेम खेल ऐसा किया देर उनका इमेजिनेशन कल्पना स्टिल अभी भी फील्ड भरी हुई विद साथ में विजन दृश्य ऑफ काके के प्लेइंग फील्ड यानी खेल का मैदान एंड और देर उनके हेड सर आर एमंग बीच में स्टार तारे और या देर उनके हार्ट हृदय इनमें देर उनके बूट्स जो पैरों में पहने जाने वाले जूते। तो कहने का मतलब ये है कि जो खिलाड़ी होते हैं ये समझना बहुत आसान है कि खिलाड़ियों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है क्योंकि लड़के जो अपने खेलों से वापस लौट रहे होते हैं उनकी कल्पनाएं अभी भी खेल के मैदान के दृश्यों से भरी होती हैं उनके माइंड में चल रहा होता है और उनके दिमाग जो है उनके वो तारों में होते हैं या उनके हृदय उनके पैरों के जूतों में होते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर वो लड़के मैच जीत चुके होते हैं तो उनका दिमाग आसमान में होते हैं मैच हार गए होते हैं तो उनका दिमाग जो है डूब गया होता है दिल डूब गया होता है वही बात लिखी हुई है। एज दे रिकॉल देयर एक्सप्लॉइट्स और देयर एरर्स
एस क्योंकि दे वे रिकॉल याद करते हैं देर उनका एक्सप्लॉइट्स और देर एरर्स का मतलब ये हो गया कि वो अपनी कमियां या जो बहुत ही अच्छे पॉइंट है वो याद करते हैं। तो जब लड़के वापस लौट रहे होते हैं जैसे बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है मैच में तो वो याद करते हैं कि मैंने ये किया था मैंने वो किया था या गलती की है तो वो याद करते हैं कि तुमने ये गलती कर दी थी वो गलती कर दी थी। तो ये सब चीज़ें जो है याद रखते हैं। तो जो बैट और फुटबॉल जैसी चीज़ें हैं वो याद रखना जो है संभव नहीं हो पाता। दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्राम द वर्ल्ड आउटसाइड देम दे वे आर एक्सट्रैक्टेड अलग फ्राम से वर्ल्ड संसार आउटसाइड बाहर देम उनके वे अपने से बाहरी संसार से बिल्कुल अलग हो चुके होते हैं। मेमरीज प्रिवेंट देम फ्राम रिमेंबरिंग टू डू सच स्मॉल प्रोसेस थिंग्स एज टेक द बॉल और द बैट विद देम व्हेन दे लीव द ट्रेन। मेमरीज याददाश्त प्रिवेंट रोकती है देम उनको फ्राम से रिमेंबरिंग याद करना डू करना सच ऐसा स्मॉल छोटा प्रोसेस नियरेस्ट थिंग्स वस्तुएँ एज जैसे टेक लेना बॉल और या बैट विद साथ में देम उनके व्हेन जब दे वे लीव छोड़ते हैं ट्रेन। कह रहे हैं कि जो याददाश्त हैं वो उन्हें ऐसी छोटी नीरस चीज़ों को लेने जैसे बॉल और बैट ऐसी छोटी नीरस चीज़ों को लेने से उन्हें याददाश्त रोकती है उस वक्त जब वो ट्रेन छोड़ रहे होते हैं। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि वहाँ पर जो है ट्रेन से आदमी प्लेग्राउंड में जाता है ना तो उसके दिमाग तो अपने खेल की गलतियों या आनंद की चीज़ों में लगा होता है तो वो बॉल लें या बैट लें इस चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जा पाता। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे दे आर सिटीजन्स ऑफ ड्रीम लैंड फॉर के लिए रेस्ट बाकी ऑफ काकी के डे दिन बाकी के दिनों के लिए दे वे आर एज सिटीजन्स नागरिक ऑफ काकी के ड्रीम लैंड यानी स्वप्न संसार बाकी के दिन के लिए वे स्वप्न संसार के नागरिक हैं। द सेम मे बी सेड नो डाउट ऑफ एंग्लर्स हु फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड्स द सेम मे बी सेड ऐसा ठीक उनके लिए भी कहा जाता है किसके लिए नो डाउट निसंदेह एंग्लर्स यानी मछली पकड़ने वालों के लिए वो जो फॉरगेट भूल जाते हैं देयर उनका फिशिंग रॉड्स जो अपने फिशिंग रॉड बंसी नहीं जिन्हें कटिया कहते हैं जिससे मछली पकड़ी जाती है वो फिशिंग रॉड भूल जाते हैं। एंग्लर्स आर जनरली सेड एंग्लर्स मछुआरे आ रहे हैं जनरली सामान्य तौर पे सेड कहा जाता है मछुआरों के बारे में सामान्य तौर पे कहा जाता है। आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ विद वॉट जस्टिफिकेशन कि आखिर इस बात को कहने के पीछे क्या मतलब तर्क है मैं नहीं जानता हूँ लेकिन ऐसा कहा जाता है। टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन कि मोस्ट सबसे अधिक इमेजिनेटिव कल्पनाशील ऑफ काकी के मैन व्यक्ति कि वे लोग बहुत ही मानवों में सबसे अधिक कल्पनाशील होते हैं। एंड और द मैन हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज ऑन द जर्नी होम आफ्टर अ डेज फिशिंग इज हर टू बी अ लिटिल एब्सेंट माइंडेड इन हिज बिहेवियर एंड और मैन मानव हु जो इज ए इन्वेंटिंग आविष्कार कर रहे हैं मैग्निफिसेंट लाइज शानदार झूठ ऑन पर जर्नी यात्रा होम घर आफ्टर बाद में डेज दिन का फिशिंग मछली पकड़ने कार्य इज ए हर्ड सुना भी होना एक लिटिल थोड़ा एब्सेंट माइंडेड भुलक्कड़पन इनमें इज उसके बिहेवियर यानी कि व्यवहार। तो कह रहे हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही अधिक कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं और वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो है पूरे दिन के बाद मछली पकड़ने के बाद जो है अपने घर की यात्रा मर जब करता है घर जाने लगता है तो वो एक शानदार झूठ का आविष्कार करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो थोड़ा बहुत तो अपने आचरण में अपने व्यवहार में भुलक्कड़पन होगा ही जो घर जाते समय शानदार झूठ का आविष्कार करता है। द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज़ फॉरगॉटन बाय हिम एज ही डे ड्रीम्स ओवर द फील्ड्स ऑफ हिज फिशिंग रॉड ऑफ यूटोपिया फिशिंग रॉड वही कटिया ऑफ काके की रियलिटी वास्तव में फॉरगॉटन भुला दी गई बाई द्वारा हिम उसके एज जैसे ही वह डे ड्रीम्स दिवा स्वप्न ओवर ऊपर फीड्स कार ऑफ काके के फिशिंग रॉड ऑफ काके के यूटोपिया स्वप्न संसार कह रहे हैं उसकी वास्तविक जो फिशिंग रॉड है वो भुला दी गई है जैसे ही वो स्वप्न संसार की फिशिंग रॉड द्वारा किए जाने वाले अपने वीरतापूर्वक कार्यों के दिवा स्वप्न में खो जाता है। तो जैसे ही वो सोचने लगता है कि मैंने इतनी मछली पकड़ी दिवा स्वप्न में खो जाता है उसकी वास्तविक फिशिंग रॉड खो जाती है। हिज लॉस ऑफ मेमोरी इज रियली अट्रीब्यूट टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज इंजॉयमेंट इन थिंकिंग अबाउट हिज डेज स्पोर्ट हिज उसकी लॉस हानि ऑफ काकी के मेमोरी याददाश्त इज अ रियली वास्तव में ट्रिब्यूट यानी कि गुण इंटेंसिटी यानी कि बहुत ही घनत्व बढ़त ऑफ काकी के उसका एंजॉयमेंट आनंद इनमें थिंकिंग विचारना अबाउट हिज उसके डेज दिन के स्पोर्ट खेल
कह रहे हैं कि उसके याददाश्त की हानि जो है, जो वो भूल जाता है, वो वास्तव में जो है उसके दिन भर में किए गए खेल के बारे में विचार करने की उसके आनंद की तीव्रता के प्रति एक गुण है। मतलब ये कि वो अपने खेल में जब दिन भर में आनंद ले रहा था, कल्पना ले रहा था, उसमें इतना मगन था, उसको इतना आनंद आ रहा था कि वो अपनी फिशिंग रॉड भूल गया, तो वास्तव में ये एक गुण है। ही मे फॉरगेट हिज फिशिंग रॉड, ही मे सकना, फॉरगेट भूलना इज उसकी फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड, वह अपनी फिशिंग रॉड भूल सकता है। एज द पोएट मे फॉरगेट टू पोस्ट लेटर, एज जैसे पोएट कवि में सकना फॉरगेट भूलना पोस्ट अ लेटर, जैसे कवि पत्र पोस्ट करना भूल सकते हैं। बिकॉज हिज माइंड इज फिल्ड विद मोर ग्लोरियस मैटर, बिकॉज क्योंकि उसके माइंड दिमाग इज फिल्ड भरे हुए विद साथ में मोर अधिक ग्लोरियस शानदार मैटर मामले, क्योंकि उनके दिमाग और अधिक शानदार पदार्थों से भरे होते हैं, यानी उनके दिमाग में बहुत ही शानदार गौरवशाली चीज़ें होती हैं, तो वो पत्र पोस्ट करना जैसी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। एब्सेंट माइंडनेस ऑफ दिस काइंड सीम्स टू मी ऑल बट अ वर्च्यू, एब्सेंट माइंडनेस भुलक्कड़पन ऑफ काके दिस या काइंड प्रकार सीम प्रतीत होता है मी मुझे ऑल सभी बट किंतु वर्च्यू गुण, इस प्रकार का जो भुलक्कड़पन है वो मुझे केवल एक गुण प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो गुण है। द एब्सेंट माइंडेड मैन इज ऑफन अ मैन हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड देयरफॉर हैज़ नो टाइम टू रिमेंबर द मीडियोकर, एब्सेंट माइंडेड मैन भुलक्कड़ व्यक्ति इज ऑफन अक्सर मैन व्यक्ति हु जो इज ए मेकिंग बना रहा बेस्ट सर्वोत्तम ऑफ काके के लाइफ जीवन एंड और देयरफॉर इसीलिए ऐसा किया नो टाइम समय नहीं है रिमेंबर याद रखना मीडियोकर बेकार की चीज़ें नीरस वस्तुएँ। कह रहे हैं भुलक्कड़पन व्यक्ति अक्सर ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने जीवन का सर्वोत्तम समय भोग रहा होता है, आनंद उठा रहा होता है, क्योंकि उसके पास नीरस वस्तुओं को याद करने के लिए समय नहीं होता। हु वुड हैव ट्रस्टेड सॉक्रेटिस और कॉलेज टू पोस्ट लेटर, हु कौन वुड सैग्रिया ट्रस्टेड याद रखना, सॉक्रेटिस सुकरात बहुत बड़े महान दार्शनिक थे और कॉलरिज वो जो एक प्रसिद्ध कवि थे इंग्लैंड के, टू पोस्ट अ लेटर पत्र पोस्ट करना, तो कह रहे हैं आखिर कौन जो है सुकरात या कॉलरिज को के बारे में ये सोच सकता है कि वो पत्र पोस्ट करना याद रखेंगे। दे हैड सोल्स अबव सच थिंग्स, दे हैड सैग्रिया सोल्स आत्मा अबव ऊपर सच ऐसी थिंग्स वस्तुएँ, उनकी आत्मा ऐसी चीज़ों से ऊपर थी। मतलब जो कवि हुए या बड़े बड़े जो दार्शनिक हुए वो बहुत ऊंची चीज़ें सोचते हैं, है ना, तो वो ये पत्र पोस्ट करना जैसी छोटी मोटी चीज़ें वो याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में उससे बढ़कर चीज़ें रहती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज यहाँ तक पढ़ लिया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।